अस्सलामुअलैकुम। पहले फ़ोटोशॉप में गाड़ी की पिक्चर को मैंने ओपन कर लिया। जो एरिया मुझे नहीं चाहिए वो मैं क्रॉप टूल से इस तरह क्रॉप कर रहा हूँ। क्रॉप करने के बाद गाड़ी को मैंने बैकग्राउंड से रिमूव करना है ताकि गाड़ी अलग हो जाए और बैकग्राउंड अलग। इसके लिए पहले मैं गाड़ी की लेयर कॉपी लेता हूँ। इस तरह आप लेयर को ड्रैग और यहाँ पर ड्रॉप करेंगे तो कॉपी आ जाएगी, और कंट्रोल जे से भी कॉपी आ सकती है। अब गाड़ी को कट करने के लिए मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से आपने यहाँ से यहाँ सेलेक्ट सब्जेक्ट कर लेना है, या फिर आप इस तरह एक सिलेक्शन बॉक्स बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल खुद सेलेक्ट कर लेगा गाड़ी को तकरीबन। फिर आपने देख लेना है कि कोई एरिया रह ना गया हो। अगर एरिया कोई इस तरह रह गया है तो आप क्विक सिलेक्शन से उसको आल्ट दबा के सेट कर सकते हैं। जल्दी से इसको सेट कर लेते हैं। सिलेक्शन के बाद आपने कंट्रोल जे प्रेस करना है ताकि गाड़ी इस तरह एक अलग लेयर पे चली जाए, ट्रांसपेरेंट लेयर पे। अब गाड़ी अलग है और बैकग्राउंड अलग। अब इसके बीच में हम टेक्स्ट टाइप करते हैं अपना। टेक्स्ट मैंने टाइप कर लिया, इसको कंट्रोल टी करके मैंने बड़ा करके गाड़ी के पीछे प्लेस कर दिया कुछ इस तरह, और मैं इसको थोड़ा सा और मज़ीद बड़ा कर रहा हूँ। इसको सेट करके अब इसमें कलर अप्लाई करने हैं और फॉन्ट इसमें देख लेते हैं। यहाँ पे अभी मैं एरियल बोल्ड यूज़ कर रहा हूँ। इसके पॉइंट्स थोड़े मैं सेट कर लेता हूँ। एडजस्ट करने के बाद इसमें मैं कलर चेंज करके इसको वाइट कर दूँगा। तो नहीं, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करके थोड़ा सा टिल्ट कर रहा हूँ। टिल्ट करने के बाद इसका कलर मैं वाइट कर रहा हूँ और गाड़ी के पीछे प्लेस करके अब इसके ऊपर मैं एक ब्लैंक लेयर ऐड करूँगा। ब्लैंक लेयर को मैं क्लिपिंग मास्क कर दूँगा टेक्स्ट के अंदर। आल्ट प्रेस करके आप इस तरह क्लिपिंग मास्क कर लें। फिर मैं यहाँ से ब्लैक कलर और ब्रश लेके वहाँ से मैं पेंट कर रहा हूँ। जो पेंट कर रहा हूँ वो टेक्स्ट के अंदर ही पेंट हो रहा है क्योंकि हमने वो लेयर को क्लिपिंग मास्क किया था। इस तरह एक टेक्स्ट में डेप्थ ऐड हो जाएगी। ब्लैक ब्रश के बाद मैं इसमें लाइट इफेक्ट बनाने के लिए यहाँ पे क्योंकि ऑरेंज और येलो टोन की लाइट है तो मैं एक ऑरेंज टोन का कलर ले रहा हूँ और यहाँ पे ब्रश से इस तरह पेंट कर रहा हूँ ताकि टेक्स्ट में भी एक ऑरेंज सा टोन आ जाए। टेक्स्ट इफेक्ट हमारा तकरीबन रेडी है। इस तरह की मज़ीद और ट्यूटोरियल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।